आजमगढ़ में सातवें चरण के मतदान के लिए 10 फरवरी गुरुवार से शुरू होने वाले नामांकन को लेकर आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य और जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी के नेतृत्व में अधिकारियों ने नामांकन केंद्र से लेकर स्थल तक पूरे कलेक्टर क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम व एसपी ने बताया कि चुनाव आयोग के गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी गाइडलाइन के बारे में पहले ही बता दिया गया है। आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि नामांकन स्थल के आसपास 19 स्थानों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। केवल जिनको अनुमति होगी उन्हीं को बैरिकेडिंग से अंदर आने दिया जाएगा। केवल प्रत्याशियों, उनके प्रस्ताव को नामांकन पत्र लेने वालों को ही नामांकन स्थल तक जाने की अनुमति होगी। सदर तहसील नामांकन स्थल के आसपास के 200 मीटर के क्षेत्र को सील किया गया है। नामांकन के समय मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिनको अनुमति है वही जाएंगे। वाहनों के आवागमन को भी नियंत्रित किया गया है। एक जगह 8 विधानसभा क्षेत्र के नामांकन होंगे, जबकि दूसरे स्थल पर 2 विधानसभा क्षेत्र के नामांकन होंगे। आजमगढ़ में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। वहीं डीएम अमृत त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। 100 मीटर का एरिया नो मैंस लैंड होगा। रूट डाइवर्जन की व्यवस्था की गई है। प्रत्याशियों को भी बता दिया गया है अगर किसी को कोई समस्या है तो वह डीएम, एसपी व एडीएम से सीधे बात कर सकते हैं। हमारे लगभग 19 बैरिकेड्स हैं, बैरिकेडिंग पॉइंट्स हैं, जहां पे अलग अलग स्तर की बैरिकेडिंग है, जिसमें किस व्यक्ति को कहां से आना है, किस तरफ से नामांकन के लिए आएंगे, वहाँ से कितने लोगों को अलाउ किया जाएगा, ये सब बहुत डिटेल्ड एक आदेश बना हुआ है। मजिस्ट्रेट्स की भी इसमें तैनाती की गई है साथ साथ में। तो आप देख रहे हैं कि जो कलेक्ट्रेट परिसर है प्लस सदर तहसील परिसर है, उसके लगभग 200 मीटर की परिधि में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको बैरिकेड कर दिया गया है। और यही जनता से अपील भी हम लोगों ने की है कि जिन लोगों का यहाँ पे जो जब तक नामांकन प्रक्रिया रहेगी, जिस जगह पे कोई अलाउड नहीं है वहाँ पे कोई अनावश्यक रूप से नहीं आएगा। 10 विधानसभा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 जगह पे नामांकन होगा। 2 केंद्र हैं, टोटल 2 केंद्र हैं, एक जगह पे 8 विधानसभाओं के लिए, एक जगह पे 2 विधानसभाओं के लिए। रूट डाइवर्जन बहुत डिटेल में निकाल दिया गया है, क्योंकि कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास का, कचहरी के आसपास का एरिया जितना है उसमें वाहनों को हम नियंत्रित करके रखेंगे। बहुत सा एरिया ऐसा है 100 मीटर की परिधि का जिसमें कोई वाहन नहीं आएगा, तो इसके लिए लोकल स्तर पर रूट डाइवर्जन ट्रैफिक एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में तैयार कर लिया गया है और इसको आप लोगों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रसारित कर दिया गया। जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है वो 2 लोगों को साथ में जाने की अनुमति है और 2 वाहनों की अनुमति है। दुकानें जो खुली हैं, हम किसी की जरूरत, कोई दुकानें खुली रहेंगी लेकिन उसमें नियंत्रित रूप से अलाउ किया जाएगा और 100 मीटर की परिधि का जो आयोग का निर्देश है उसका अनुपालन कराया जाएगा। देखिए, नामांकन के विषय में आपको बहुत विस्तार से कप्तान साहब ने पूरा जो भी कार्यक्रम यहाँ बनाया गया है, जो भी व्यवस्था है उसको बता दिया गया। 2-3 बातें मैं जोड़ना चाहूँगा। एक तो नामांकन में कोरोना की गाइडलाइंस का बहुत ही कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा और कराया भी जाएगा। तो मेरा सभी से, कैंडिडेट से भी अनुरोध होगा और आप लोगों से भी अनुरोध होगा कि इसका हम लोग पालन करेंगे। और 100 मीटर की परिधि, आयोग की 100 मीटर की परिधि एकदम नो मैंस लैंड होता है। इसमें वही लोग अनुमन्य होते हैं जिनको पासेस अलाउड होते हैं, तो उन्हीं लोगों को किया जाएगा। और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं और उनके प्रस्तावक हैं और जो फॉर्म लेने आएंगे नॉमिनेशन का, वो सब लोग अलाउड होंगे। व्यवस्थाएँ ऐसी बनाई गई हैं कि कुछ डाइवर्जन्स हैं तो उसका भी व्यापक प्रचार प्रसार आपका कराया जा रहा है कि अगर किसी भी जगह पर किसी को, व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो वो सीधे मुझसे, कप्तान साहब से, एडीएम साहब से फ़ोन पे संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया नॉमिनेशन में लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कराई जाती है कि जो भी व्यक्ति इच्छुक है चुनाव लड़ने के, वो अपना फॉर्म आसानी से ले सकें और सारे के सारे कैंडिडेट्स जो उसमें लड़ना चाहते हैं वो अपने प्रस्तावों के साथ, जो अनुमन्य प्रस्तावक हैं उसके साथ पार्टिसिपेट कर सकें।